गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5D. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 15 प्लस 36 माइनस 25. यहाँ पे आपको 3 नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे दो ऑपरेशन अप्लाई हैं, प्लस और माइनस, तो आपको इन्हें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट का जो ए क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट टू जो नंबर है, उन्हें हम क्या कर लेंगे, ऐड, क्योंकि वो दोनों प्लस में है. ठीक है, यानी कि 15 और 36 को आप ऐड करेंगे और जो भी आएगा उसमें से 25 को सबट्रैक्ट करेंगे. यानी कि इन दोनों को हमने ऐड किया तो आपका आ गया 51, फिर 25 को 51 में से सबट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो आ जाएगा आपका 26. तो हर क्वेश्चन का जो एक पार्ट मैं बताऊंगी और सारे जो पार्ट है वो आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि वो सारे ही सेम है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 80 माइनस 47 प्लस 51. ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट और जो लास्ट नंबर ना, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू है ना, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे. तो साथ में हमने प्लस करके लिख लिया, और जो ये नंबर है माइनस वाला, इसे हम बाद में लिखेंगे. अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 131, ये अभी ऐसे ही रहेगा. अब जो ऐड करके आएगा, यानी कि 131 में से हम 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका 84 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, 200 माइनस 115 माइनस 68. ठीक है, इन्हें आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो प्लस का है. ठीक है, बाकी जो बाकी के जो दोनों नंबर है, माइनस और माइनस, क्योंकि जब माइनस माइनस के होते हैं आपस में प्लस होते हैं, तो इन दोनों को हमें ऐड करके फिर यहाँ लिख देना, बीच में माइनस का ही साइन आएगा. ओके, अब इसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा 17 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, 615 माइनस 2407 प्लस 3118. फोर्थ क्वेश्चन ये भी सेम वही है जो हम पहले कर चुके हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो जो प्लस वाले नंबर हैं, यानी कि ये और ये, इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे और ये दोनों ऐड होंगे, और ये वाला नंबर आएगा बाद में, ये सब्ट्रैक्ट होगा. तो पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, तो आ गया 3733, ये वाला नंबर एज इट इज़ रहेगा माइनस में. अब इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो यानी कि आपका आ जाएगा 1326, ये आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, 380 माइनस 99 प्लस 1503 माइनस 745. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लस वाले नंबर है उन्हें हम साथ में लिख लेंगे, लाइक दिस एंड दिस, ये प्लस वाले हैं, और जो माइनस माइनस है इन्हें साथ में लिखेंगे. अब आपको इन्हें भी ऐड करना है और इन दोनों को भी ऐड करना है. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमका आएगा 1883. फिर इन दोनों को भी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को भी ऐड करके लिख देना, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा. अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक करना होगा, तो आपका 1039 आ जाएगा इन्हें सब्ट्रैक करने के बाद, जो कि आपका आंसर है. नाउ लास्ट क्वेश्चन 6, 4100 माइनस 15280 प्लस 78256 माइनस 362. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है. तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, वैसे ही करना है आपको. जो प्लस वाले नंबर है उन्हें हम पहले ऐड करेंगे, साथ में हमने पहले लिख देंगे इन्हें, माइनस वाले नंबर को साथ में लिख देंगे. अब ये दोनों नंबर हो जाएंगे ऐड, और ये माइनस माइनस, ये भी नंबर ऐड हो जाएंगे. ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू में से हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आएगा 6674. ये आपका सॉल्व हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा. तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है. हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 5E, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड देयर डिफरेंस. आपको सम दे रखा है दो नंबर का, और उसमें से एक नंबर भी दे रखा है. आपको डिफरेंस फाइंड करना है उन दो नंबर का. अब उन दो नंबर का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास सेकंड नंबर भी होना चाहिए, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे पहले आपको जो गिवन है, सम ऑफ टू नंबर ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट नंबर भी गिवन है, तो हम सेकंड नंबर फाइंड कैसे करेंगे, कि सम में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो सम में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा सेकंड नंबर आ गया, ये हमारा सेकंड नंबर है. ओके, अब आपसे कहा था कि डिफरेंस बताना है आपको, डिफरेंस किसका, दोनों नंबर का ना, तो हमें डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर बताना है. तो हमारा फर्स्ट नंबर तो मतलब एक नंबर ये है हमारा, और एक नंबर ये है, तो दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो बड़ा नंबर है, यानी कि दिस सेकंड, ये वाले नंबर में से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा 4649. ओके, ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी खुद करना होमवर्क में. डिफरेंस आपको दे रखा है बिटवीन टू नंबर, ये दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है, द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज दिस, और इसमें से जो ग्रेटर नंबर है वो दे रखा है, आपको सम फाइंड करना है. सो सबसे पहले आपको डिफरेंस दे रखा है और ग्रेटर नंबर देखा है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा. ठीक है, अब सेकंड नंबर मिल जाएगा तो वो आपसे कह रहा है फाइंड द सम. तो सम किसका कह रहा है आपसे फाइंड करने को,
जो दोनों नंबर आएगा उनका सम। तो एक नंबर तो ऑलरेडी दे रखा, दूसरा हम यहाँ पे ऐड करके निकाल लेंगे इन दोनों को। तो जब वो नंबर आ जाएगा तो उसका और जो फर्स्ट नंबर है इन दोनों का सम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, बाय हाउ मच इज़ द सम ऑफ दिस एंड दिस ग्रेटर दैन देयर डिफरेंस। वो कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है वो इनके डिफरेंस से कितना ज़्यादा है। तो दोनों का सम और डिफरेंस हमें दोनों ही बताने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में सबसे पहले हम तो सम निकाल दिया दो नंबर का, उसके बाद डिफरेंस भी निकाल दिया है। अब हमें क्या बताना है, अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें ना कि कितना ज़्यादा है। तो अब जो ग्रेटर वैल्यू यानी कि जो सम है उसमें से हम इनका डिफरेंस को माइनस कर देंगे, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें मिल जाएगा। यानी कि इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है हमारा, ये हमारा क्या क्या डिफरेंस आ गया है। बस जो सम है वो डिफरेंस मतलब दोनों नंबर के जो सब डिफरेंस है इतना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर फोर आपको खुद ट्राई करना है, बाय हाउ मच दिस ग्रेटर देन द सम ऑफ दिस एंड दिस। वो कह रहा है कि ये जो है वो इन दोनों के सम से कितना ज़्यादा है। तो पहले आपको इन दोनों को नंबरों को सम कर देना है, ऐड करना है, फिर जो भी आएगा उसको और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपका रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, रवि है, रवि के पास इतने रुपए थे लेकिन वो एक मशीन ख़रीदना चाह रहा था जिसका कॉस्ट था इतना। हाउ मच शुड ही बोरो, उसे कितना और बोरो मतलब उधार लेना पड़ेगा। थ्रो डैट ही इज़ लेफ्ट, यानी कि उसके बाद तभी भी जो है इतनी मनी जो है 25,000 बच जाए मशीन ख़रीदने के बाद भी। सबसे पहले जो मनी रवि के पास थी ऑलरेडी वो थी ये 6,43,578, और जो मशीन का कॉस्ट था वो था 9,05,000। अब सबसे पहले तो हमें दोनों का डिफरेंस निकाला हमने कि कितना मनी जो है वो दोनों का डिफरेंस हो रहा है। तो जो डिफरेंस हमने निकाला तो वो आ गया आपका ये 2,61,422। लेकिन वो आगे कह रहा है कि कितना मतलब बोरो वो करे कि उसके पास 25,000 भी बच जाए ना, मतलब इतना तो है और प्लस 25,000 भी उसे इसमें ऐड करना पड़ेगा है ना। तो यानी कि हमें इसको और 25,000 को ऐड करेंगे तो आपका जो है इतना आ जाएगा 2,86,422। यानी कि इतना जो मनी है उसे बोरो करना पड़ेगा कि उसके पास इतना जो है वो एक्स्ट्रा बच भी जाए मतलब लेफ्ट हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिंगमा स्पेंड 4,75,601 ईयर। एक ईयर में वो इतना स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, और सेम ईयर में जो उनकी वाइफ है वो इतना स्पेंड करती है, उनका जो सन है वो इतना स्पेंड करता है। वो कह रहे हैं हाउ मच मोर डिड मिस्टर संगमा स्पेंड एंड टोटल ऑफ द मनी स्पेंड बाय हिज वाइफ एंड सन। वो कह रहा है कि जो मिस्टर संगमा है उन्हें कितना और ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ेगी कि जितनी जो मनी है जो मतलब जितना कि उनकी वाइफ और जो सन कर रहा है उसके बराबर जो है कितनी मनी और स्पेंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मिस्टर संगमा के पास जो मनी है स्पेंड जो करते हैं वो इतनी है, और जो मनी जो उनका वाइफ और जो सन दोनों करते हैं वो मिला के जो कितना करते हैं तो हमने ऐड कर लेंगे। तो दोनों वैल्यू को ऐड करा तो मतलब इतना आ गया, मतलब इतना वो दोनों कुल मिलाकर जो है स्पेंड करते हैं। अब हमें ये बताना है कि मिस्टर संगमा को कितनी और मनी स्पेंड करनी पड़ेगी कि जो इनके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे बताना है कि जो मिस्टर संगमा है वो कितना ज़्यादा जो है स्पेंड कर रहे हैं अपनी वाइफ और सन की स्पेंडिंग मनी से, ठीक है। तो हम जो टोटल जो मनी थी मिस्टर संगमा स्पेंड उसमें से जो वाइफ और सन ने जो स्पेंड की मनी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 129,880 है ना, कि इतना जो है ज़्यादा वो स्पेंड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।